झारखंड के जिला सिमडेगा के बानो थाना परिसर में बीडीओ यादव बैठक की अध्यक्षता में व्यापारी संघ की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में व्यापारी संघ के द्वारा सप्ताह में 2 दिन दुकानें बंद रखने का सर्वसहमत से निर्णय लिया गया। इसके अलावा अन्य दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा ने कहा कि सभी कोई मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। वहीं पुलिस निरीक्षक ने कहा कि कोविड-19 का प्रकोप जारी है, आप सभी लोग सचेत होकर अपने दुकान में मास्क का प्रयोग करें और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सामान नहीं दें। साथ ही अंचल अधिकारी ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है समय समय पर कोविड टेस्ट कराने की बात कही गई ताकि संक्रमण से बचा जा सके। वहीं मौके पर बानो प्रखंड विकास पदाधिकारी यादव बैठा, अंचल अधिकारी मनीन भगत, बानो पुलिस निरीक्षक आलोक कुमार, बानो थाना प्रभारी प्रभात कुमार, संतोष साहू, सुरेंद्र नाथ तिवारी, तिलक चौरसिया, आनंद चौरसिया आदि दुकानदार समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए सुनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा।